कानपुर देहात जिले में एसडीएम प्रशासन और एसडीएम ने आरटीओ ऑफिस के बाहर दलालों की दुकानों को ध्वस्त कर दिया। मौके से दस्तावेज के साथ 3 लोगों को पकड़ा गया है। वहीं छापेमारी के बाद आरटीओ ऑफिस में सन्नाटा छा गया। इस दौरान कर्मचारियों की कुर्सियां ऑफिस में खाली पड़ी थीं, पर कुर्सियों में कोई ऑफिस का कर्मचारी नहीं बैठा पाया गया। जनपद के सरकारी कार्यालयों में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अब अधिकारी कार्यालय में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहे हैं। आरटीओ ऑफिस में बहुत समय से दलालों के सक्रिय होने सूचना जिला प्रशासन को मिल रही थी। आरोप था आरटीओ ऑफिस में दलालों के द्वारा कार्य किए जाते हैं। इस सूचना पर एसडीएम प्रशासन और एसडीएम अकबरपुर ने संयुक्त रूप से आरटीओ ऑफिस में छापेमारी की, साथ ही मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बहुत से कागजात बरामद किए गए हैं। वहीं आरटीओ ऑफिस कर्मचारी भी ऑफिस छोड़कर इधर उधर टहलते नजर आए। एडीएम प्रशासन पंकज वर्मा ने बताया कि आरटीओ ऑफिस में छापेमारी की गई, लोगों को पकड़ा गया है और बहुत से दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आरटीओ ऑफिस में छापेमारी की गई, क्या क्या बरामद हुआ? देखिए, सरप्राइज छापेमारी कार्रवाई की गई थी। ऑफिस के बाहर कुछ दलाल लोग मिले, उनको पकड़े गए, 3 गिरफ्तार किया गया है। एक कार भी पकड़ी गई, उसमें से भी अवैध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बाकी दलालों ने जो गुमटियाँ अवैध लगा रखी थी कार्यालय के बाहर, उनको ध्वस्त कराया गया है और उनके सामान जब्त किए गए। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति पर भ्रष्टाचार मुक्त हो उत्तर प्रदेश, लेकिन कार्रवाई आखिर देखने को नहीं मिलती, भ्रष्टाचार लगातार जारी है। आपके सामने ये कार्रवाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश भी है, भ्रष्टाचार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई है, उसी कड़ी में आज ये कार्रवाई की है और जो लोग भी लिप्त हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी की नेम प्लेट पर बीजेपी का टैग लगा, वो भी जांच का इश्यू है, इसीलिए केवल सिंबल लगा देने से वो इश्यू होता नहीं, अब जांच का इश्यू है, जांच में स्पष्ट आएगा किसकी गाड़ी है, क्या तरीका है।